सह्याद्री कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जिसे जितना देखो उतना कम है। सह्याद्री का अधिक से ज्यादा हिस्सा हमारे महाराष्ट्र में शामिल है, जो कि पहाड़ों के काफी खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। और आज जो पहाड़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, वो महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। इस माउंटेन को क्लाइम करने का सपना हर एक इंडियन ट्रैकर देखता है, क्योंकि इसे क्लाइम करने के बाद एक अलग ही लेवल की फीलिंग क्रिएट होती है। और क्यों नहीं होगी, बिकॉज ये है ही माउंट एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, जिसका नाम कलसुबाई है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कलसुबाई तक की मेरी जर्नी और जानेंगे यहाँ तक पहुँचने की इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कलसुबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अकोला तालुका में लोकेटेड है, एंड द हाइट ऑफ कलसुबाई इज 5,400 फीट, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। इसीलिए इसे एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। कलसुबाई का बेस बारी विलेज है, जो कि इगतपुरी से 32 किलोमीटर और कसारा रेलवे स्टेशन से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो आप लोग यहाँ पे बहुत ही इजीली प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके यहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो तो दोनों ही रेलवे स्टेशन से आपको बारी विलेज तक के लिए एसटी बसेस देखने को मिल जाती है। सो हम लोग ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया और ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे का सफ़र तय करके पहुँच गए बारी विलेज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि कसारा रेलवे स्टेशन से आपको काफ़ी लिमिटेड बस देखने को मिलती है। जैसे ही आप लोग स्टेशन पे अराइव होते हो तो एज सुन एज पॉसिबल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले आपको ईस्ट साइड में जाके बस पकड़नी है। सो फाइनली एसटी बसेस पकड़ने के बाद, इन सारे खूबसूरत व्यू को देखने के बाद, 2.5 घंटे की जर्नी तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बारी विलेज। जैसे ही आप लोग बस से उतरोगे तो राइट हैंड साइड में आपको एक स्टोर देखने को मिल जाएगा, जहां से आप अपने खाने पीने की चीज़ें ले सकते हो। और इसी के बाजू में एक रास्ता गया है, इसी रास्ते से हमें विलेज में जाना है और वहीं से हमें अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। तो ये है बारी विलेज, जो कि कलसुबाई का बेस विलेज है, और इसी गांव से हमें अपने रूट्स मिल जाते हैं कलसुबाई तक पहुंचने के लिए। देखो, इस विलेज का जो रास्ता है ना, वो 4 से 5 मिनट का होगा, और जैसे ही विलेज ख़त्म होगा तो आपको एक छोटी सी ट्रेल देखने को मिल जाएगी, और इसी रास्ते में आपको एक छोटा सा वाटर स्ट्रीम भी फ्लो होते हुए देखने को मिल जाएगा। इसे भी क्रॉस करके आपको सेम ट्रेल को फॉलो करके आगे तक आना है। अगर आप यहाँ पे मॉनसून के बाद आते हो ना, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल सा नेचर का व्यू देखने को मिलता है। एंड मॉनसून में तो प्लीज़ इसे अवॉइड ही करना, बिकॉज हाइट ज़्यादा है तो डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा ही होंगे। तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद है ना, आपको यहाँ पे कलसुबाई देवी का टेम्पल देखने को मिल जाता है, जिसे नीचे भी बनाया गया है। इस टेम्पल को इसलिए बनाया है बिकॉज कोई अगर ऊपर तक पहुंच नहीं सकता है तो वो यहीं से ही इनके दर्शन करके रिटर्न जा सकता है। और ठीक इस टेम्पल के बैक साइड में ही आपको यहाँ का चेक पॉइंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ से असली ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, जिसमें आपको इजी लेवल वाले और थोड़े से डिफिकल्ट लेवल वाले ऑफ बीट पैच देखने को मिल जाएंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हार्डेस्ट ट्रैकिंग है, बिगनर्स यहाँ पे चढ़ ही नहीं सकते। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, बट वो भी धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएंगे। कब? जब आप यहाँ पे विजिट करोगे तब। यहाँ के जो ट्रेल है ना, वो एकदम से वेल मार्क तो नहीं है, पर फिर भी आप इजीली टॉप तक जा सकते हो। ट्राई करो कि वीकेंड्स में नहीं, वीकडे पर आओ, बिकॉज वीकेंड्स पर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिल जाएगा। आप लोग है ना, नाइट में भी इसकी ट्रैकिंग कर सकते हो। नाइट में तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कोई भी नहीं दिखेगा, बट अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको नाइट में ट्रैकिंग करने को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, बिकॉज नाइट में आप एक टाइम पे तो 60-70% की ईजिली ट्रैकिंग कम्प्लीट कर लोगे,
बट उसके बाद ऊपर जाने के लिए आपको रास्ता ही नहीं मालूम पड़ेगा। तो अगर आप बिगनर हो तो दिन के उजाले में चढ़ जाओ, फिर एक जगह रुक के आप कैंपिंग भी कर सकते हो, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरे ट्रैक में ना आपको ऐसे चार फुल ऑफ बीट वाले लोखंड के सीढ़ियाँ देखने को मिल जाएंगे, जिस पे चढ़ने पर आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जिसका व्यू आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो। ऑलमोस्ट ट्रैकिंग करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चलेगा, और फिर भी मन में एक ही सवाल रहेगा कि इतना ऊपर आ गए और फिर भी अभी तक पहुँचे नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम ले लेना, एकदम आराम से रेस्ट करते करते ऊपर चढ़ना, बस हार मत मानना। जितना ऊपर आप चढ़ते जाओगे उतना ही यहाँ का व्यू खूबसूरत होता जाएगा। एक बार बस आप इस लोकेशन पर पहुँच जाओगे ना तो समझ जाना कि आपने 85% से 90% की ट्रैकिंग कंप्लीट कर ली है और अपनी मंजिल अब थोड़ी ही दूरी पर है। आपको यहाँ पे एक ही लाइन में काफ़ी सारे स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे और ये यहाँ के लास्ट स्टॉल्स होंगे, तो आपको यहाँ पे जो भी लेना होगा वो यहाँ से ले लेना। हम लोग यहाँ पे वीकडे के मॉर्निंग में आए थे, इसीलिए हमें सब कुछ बंद देखने को मिला, और यहीं पर आपको ये कुआं भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे थोड़ा और आगे आओगे, दूर से ही आपको कलसुबाई का टॉप दिखना चालू हो जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे दो रास्ते भी देखने को मिल जाएंगे, एक राइट हैंड साइड में और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में। और ऊपर आने के बाद हमें फिर से दो रास्ते देखने को मिल जाएंगे, एक लेफ्ट और एक स्ट्रेट। लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता हमें वहां लेके जाएगा जहाँ लेटरिंग में कलसुबाई लिखा है, और स्ट्रेट वाला रास्ता हमें लेके जाएगा सीधा टॉप पे। सो फाइनली हमारे मंजिल की सबसे आखिरी सीढ़ी आ चुकी है, ये फाइनल लैडर है जो हमें कलसुबाई के टॉप तक लेके जाएगी। तो फिर कैसा लगा आपको यहाँ का व्यू? ये व्यू किसी जन्नत से कम नहीं है ना। इस मोमेंट पे मुझे भी सेम यही फील हो रहा था। अगर आप इस मोमेंट में थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हो ना तो आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो, आप है ना अपना खुद का टेंट भी कैरी कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे टेंट रेंट पे भी मिल जाएगा। और हाँ, वीकेंड्स में तो नाइट में यहाँ पे कैंपिंग भी होती है, एंड उस कैंपिंग के बाद ये जगह एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है यहाँ का सनराइज़। इस सनराइज़ को देखे बगैर ना यहाँ से बिल्कुल मत जाना, बिकॉज कभी कभी आपको यहाँ पे ये व्यू भी देखने मिल जाता है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।